बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रोशेट से स्लिपर, और स्लिपर बनाने के लिए मैंने इस तरह की सोल ली है। ठीक है, आपने हार्ड बेस को करना है साइड पे, और इसके जो अपर पार्ट है इसमें हमें करने हैं होल्स। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका सेंटर लेना है और सेंटर में एक होल कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद एक एक सेंटीमीटर के फासले पर आपने होल्स करने हैं पूरे सोल में। ठीक है, एक में मैंने कर दिया है, दूसरे में मैं आपको करके बताती हूँ। अगर आपको करने में थोड़ी सी परेशानी हो तो इसकी हार्ड बेस नीचे रख के आपने इसके सेंटर में इस तरह से होल कर देना है। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो सॉफ्ट होता है, इसमें आसानी से होल हो जाते हैं। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास लाजमन इतने ही होल्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो ऐसी करेंगे ऑल अराउंड में। इस तरह से मैं पूरे में होल्स कर रही हूँ। मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप चाहें तो मेजरमेंट लेके भी कर सकते हैं, या सबसे पहले आपने इस तरह से निशान करके हल्के हल्के से पूरा मेजर करके। अच्छा, इसमें ना जहाँ पे ये सिलाई लगी हुई है वहाँ पे आपने धागे के ऊपर जो है ना वो होल नहीं करना, उसके नीचे ही करना है। ठीक है, बस इसी तरह से आपने ऑल अराउंड में इसके होल करने हैं जैसे मैंने इसमें किए हैं। मैंने इसमें ना एक एक सेंटीमीटर के फासले पे जो है वो होल्स कर दिए हैं, दोनों साइड मेरी रेडी हैं। अब हम इस पर करेंगे ऐसी ऑल अराउंड में। अब हम इसके ऑल अराउंड में काम करेंगे। मैंने जो पहला सेंटर में होल किया था उसमें मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए, नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे किए, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में 3 सिंगल क्रोशे किए, और नेक्स्ट उससे आगे वाले में मैंने 2 सिंगल क्रोशे किए। ये ऐसे ही मैंने किया, लेकिन जो यहाँ पे एक होल आता है ना ये वाला, इसमें मैंने 4 सिंगल क्रोशे किए, फिर दोबारा से 3 सिंगल क्रोशे किए। यहाँ पे भी मेरे 3 सिंगल क्रोशे आए, यहाँ पे 4 आए, और यहाँ पे फिर अगेन मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए, क्योंकि फिर ये दोनों साइड एक जैसी बनेंगी। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़नी है, ये याद रखिएगा कि आप जब भी स्लिपर बनाएं तो उसके लंबे लंबे धागे आपको छोड़ने हैं, ताकि जब हम इसको बेस के साथ अटैच करें तो ये अच्छे से सिक्योर हो सके। वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले आपने एक स्लिप नॉट बनानी है। ठीक है, और मैंने ये ली अपनी बेस, सबसे पहले वाले में मैंने किया 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, अब अगर पहले स्लिप नॉट होगी तो ये आपका स्टिच ना तो लूज होगा ना तो खुलेगा। 1, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद वाले में मैंने किए 2 सिंगल क्रोशे, 1, 2, और ये सिंगल क्रोशे आपके इसके बराबर में आने चाहिए। ठीक है, ये जो साइड है ना इसकी, इसके बराबर में आने चाहिए, ये ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाले में मुझे करने हैं 3, ये हो गया 1, 2 एंड 3। ये आपका पूरा जो चेन है ये पीछे की रो के साथ ही आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से पूरे में ऑल अराउंड में आपने करने हैं ऐसी। कहीं पे एक जगह पे 2 है तो एक जगह पे 3 है, और यहाँ पे अगर आपको लगे कि करीब करीब स्टिचेस हैं या करीब करीब होल्स हैं तो आप इसमें 2-2 ऐसी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाला काम कर रहे हैं, इसके नीचे हमारा कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हमने ऐसी कर रहे हैं।
तो इसमें कोई इशू नहीं कि आपके पास हर जगह पे दो तीन ऐसे ही है। कहीं पे अगर आपसे कोई स्टिच या होल्स जो है वो क्लोज हो गए तो आप बराबर में दो ऐसी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इसी तरह से रेडी करना है, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है और लंबी टेल के साथ इसको कट करना है। मैं इसको रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको पूरा ऐसी किया है जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने चार किए, यहाँ तीन फिर दो इस तरह से करते हुए ये मेरा लास्ट है, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या किया, तीन ऐसी किए हैं, आपके दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। फिर जो मेरा पहला सबसे पहला जो ऐसी था उसमें मैंने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ हम इसको कट करेंगे, ठीक है। बिना चेन बनाए हम इसको पास कर देंगे और इसको जो हमने अपना पहला एससी बनाया था अब हम बनाएंगे इसका अपर पार्ट। इसकी इस स्ट्रैप में अगर आप सिंगल कलर से बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल से बना सकते हैं। मैंने इसमें दो कलर यूज़ किए हैं और ये वाला साइज़ जो है ना, अगर आपका पाँव थोड़ा सा हेवी है या थोड़ा सा मोटा है तो आप इसकी चेन को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, 2 से 4 चेन आप इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने 41 चेन्स बनाई हैं, एक चेन स्किप करके बाकी जो है ना 40 चेन में मैंने एससी किया है, ठीक है। 3 रोज़ मैंने इस कलर की बनाई है, ब्राउन कलर की, फिर 2 रो मैंने जो है वो क्रीम कलर की बनाई है, उसके बाद 3 रो मैंने जो है वो अपना ब्राउन कलर की अगेन बनाई है। टोटल 8 रोज़ चाहिए होगी आपको, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इसको बनाती हूँ। 41 चेन मैंने बनाई, अब मैं इसमें सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, आपने सिंगल क्रोशे की रो बनानी है, तकरीबन आपने अभी तो 2 बनानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें कलर चेंज कर रहे हो तो फिर आपने 2 रो के बाद 2 रो जो है वो आपने बनानी है क्रीम कलर की, ठीक है, या आप जो भी सेकंड कलर इसमें यूज़ करेंगे। फिर हम जो है वो 3 रोज़ बनाएंगे और 3 रो बनाने के बाद 1 रो जो है हम यहाँ से 3rd रो बनाएंगे, ऐसे 3rd रो बनाने के बाद फिर इसकी साइड में एससी करेंगे और 1 रो यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे एससी करेंगे, तो ये हमारी एक ऑल अराउंड में जो है वो एससी भी आ जाएगा और आपकी टोटल जो है 8 रोज बन जाएंगी, ठीक है। मैं इसकी जो है ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ, सेकंड वाली भी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 2 रोज़ बनाई है, अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो आपने इसको ही कंटिन्यू करना है। तकरीबन आपको इसकी बनानी है 7 रोज़, ठीक है। 7 रोज़ बनाने के बाद फिर साइड वाला पार्ट जो है ना मैंने बताया ऐसी करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें कलर चेंज कर रही हूँ, तो मैंने 2 रोज़ बनाई है पहले, लास्ट वाला ऐसी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। मैं स्लिप नॉट बना के कलर चेंज कर रही हूँ, इस तरीके से कलर चेंज कर दिया चेन 1 की और इसको हमने टर्न कर दिया। अब फिर से हमने एससी की 2 रोज बनानी है, ठीक है, सिंपल है। मैं ये दोनों रोज कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। मैंने 2 रो बना ली है अपने क्रीम कलर की, ठीक है। अब मैं अगेन अपना पहले वाला कलर ज्वाइन करूँगी, इसको आपने कट नहीं करना, ठीक है।
इस तरह से। अब मैं बनाऊंगी 3 रोज़ इसी कलर की, ठीक है, ब्राउन कलर से 3 रोज़ बनाएंगे। मैं इस स्टेप की हाइट आपको बताती हूँ कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये तकरीबन 6.5 तक आ रही है, ठीक है, ऐसी करेंगे तो 6.5 तक आ जाएगी दोनों तरफ से। तो अगर आपको लगता है कि आपका पाँव इससे चौड़ा है तो आप इसमें 44 या 46 इस तरह से कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। नॉर्मल जो पाँव होता है उसके लिए ये सही रहता है, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया है तो मुझे ये बिल्कुल सही आ रहा है। 9 नंबर है, 39 नंबर। और अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आप इसी को फॉलो करिएगा, अगर आपको लगता है कि इससे चौड़ा बनाना है या इससे कम बनाना है तो चेंज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये मैंने सोल ली, ठीक है, इसके ऊपर आपने अपना पाँव रखा, अपना पाँव रखना है, मैं इसको रख रही हूँ, ठीक है, अपना पाँव रखा बिल्कुल, और इसको आपने इस तरह से मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको लूज़ रखना है, थोड़ा सा बिल्कुल ही, क्योंकि जब हम इसको चेंज बनाते हैं और ऐसी करते हैं ना, ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इसको इस तरह से मेजरमेंट लेके और फिर आपने उस हिसाब से आपने चेंज बनानी है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैप बनानी है। अब इसकी जो विड्थ है ये तकरीबन 1 इंच जितनी है, ठीक है, 1 इंच जितनी है। अब ये भी आप पे है कि अगर आपने इसको मज़ीद चौड़ा करना है तो आप इसमें मज़ीद रोज़ बना सकते हैं, तो 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इस तरह से भी कर सकते हैं या बिल्कुल ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ ब्राउन कलर की, मैं 3 रोज़ बना के फिर आपको दिखाती हूँ।